बिना इजाजत हो रही सी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सरूप दी छपाई। घर विच चल रहा सी प्रिंटिंग प्रेस दा काम। श्री अकाल तख्त साहब ने लिया हुण करड़ा फैसला। जी हां, इन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे ओ सरूप जिन्हां दी घर विच लगी प्रिंटिंग प्रेस राही छपाई हुई है, जिसके चलदिया लोगों विच काफी गुस्सा पाया जा रहा है। दरअसल कैनेडा दे सरी शहर विच सतनाम विद्यक ट्रस्ट के अहुदेदारां अते सरी विचले खालसा स्कूलों के मालकां अते खालसा क्रेडिट यूनियन के वड्डे हिस्सेदार रिपू दमन सिंह मलिक अते बलवंत सिंह पधेर वालों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सरूप छापण का मामला सिख संगत के ध्यान विच आउण ते यह मामला श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार कोल पहुंचिया अते फिर इसते सख्त इतराज प्रगटाया गया। गौरतलब है कि मलिक ते पधेर ने पहला छपाई बंद करके छपे सरूप ते छपाई का समान 22 अगस्त तक सरी डेल्टा विच स्थित गुरु नानक सिख गुरद्वारा साहब विखे पहुंचाउण दा वादा कीता सी, पर बाद विच दोवां ने फैसला पंज सिंह साहबाना ते सुट दित्ता, जिन्हां वल्लों सरूप गुरद्वारा साहब सरी डेल्टा विच सोमवार शाम तक पहुंचाउण लई कहा गया सी। पर सिख संगत सरूप आउण दी उड़ीक करती रही, पर देर शाम दोवां ने सरूप ते समान देण तों ना कर दित्ती। इस तों बाद ब्रिटिश कोलंबिया गुरद्वारा काउंसल दे नुमाइंदियां ने श्री अकाल तख्त साहब दे हुक्मां मुताबक प्रिंटिंग प्रेस का समान अते छपे स्वरूप खुद ही एक ही करके गुरुद्वारा साहब पहुंचाए अते फिर आखिरी स्वरूप नगर कीर्तन के रूप में ले जाया गया। यदि बहुत दुखदाई गल आ, साडे गुरु ग्रंथ साहब जी ने तां छपाई करना अकाल तख्त दी रहिमत कीते बिना ते साडे श्रोमणी कमेटी दे कहे तों बिना ते बहुत मानदंडयोग गल हैगी है। जो अकाल तख्त साहब जी तों आदेश आया यानी हरप्रीत सिंह जी उन्हों का उन्होंने मद्देनजर रखते जो सानू उत्थों देश आया सी मानते हुए उसे लैके जा रहे हैं। हुण जी गुरु नानक सिख गुरद्वारा सरी डेल्टा में महाराज जी के सरूप चल जाएंगे, उस तो बाद असी अकाल तख्त साहब जी नूं मान लो सारे अर्पण करांगे। जो भी महाराज के सरूपां दे विच लगा मात्र जां कोई भी गलत लिखिया जां सही आ उह दस्सांगे। देखो जोर किसी का नहीं चलता क्योंकि कनेडा दे विच वेट ने, असी सारे अकाल तख्त ते श्रोमणी कमेटी नूं समर्पित हाँ। साडा सारिया का अकाल तख्त के झंडे थले एक कट्ठे होण दा आ मकसद, ते जोर तां किसे ते चलाउंदे नहीं। असी तां बेनतियां करदे सी दो भी कदों महाराज जी दे सरूप दे तों ते उहनां ने नहीं दित्ते, जदों अकाल तख्त तों संदेश आ गया ते उहनां नूं देणे पए। इहो जिहे जिहड़ी छपाई आ ना होवे ते असीं इस जिहड़े कंफ्यूजन तों बच सकदे हां कि जिहड़े महाराज जी सरूप कर कर दे विच ना छापण। सो असीं इक जिहड़ा कन्फ्यूजन ते हुक्मनामे दी जिहड़ी वड्डी उलंघना हुई आ इत्थे उहदे खिलाफ़ दे विच पहलो रोस प्रगटा रहे सी, ते हुण जदों सानूं पता आया कि आदेश आया ते दूजे पासे जिहड़े सिंघ सीगे उहनां ने इत्थे सारी खुल दी कि जिन्ने भी सरूप आ उह आदेश दी पालना करनगे। पर यही आदेश जिहड़ा आ असीं पिछले 2 हफ्तिआं तों लोकल संगत वालों भी दे रहे हैं कि उही आदेश हुण अकाल तख्त साहिब तों आउणा पिआ। इह भी इक साडे मंदभागी गल आ लोकल कम्यूनिटी लई कि इन्ने जोर तों बाद इन्नी विचारां तों बाद फिर भी अकाल तख्त साहिब नूं साडे इह लोकल मसला चुणना चाहिए आउणा पिआ। पर यह जो मसला है ये लोगों को भी अगे सारी कौम की डायस्पोरा ले पंजाब के बहुत गंभीर से कि जिते महाराज सरूप कैनेडा के प्रिंट हो सकते कि हरेक देश के हरेक गल एक फुल मिल जाती है। ये अकाल तख्त साहब का आदेश बिल्कुल सही से, देश का जो हुक्मनामा 1997 आया तो जी एस जी पी सी द्वारा अधिकार दिए गए हैं तो उसकी मंजूरी बिना कोई भी छपा नहीं हो सकती। इस तो अलावा बलवंत सिंह पंधेर के घर में लगिया उन्होंने मशीनों भी जब्त कर लिया गया, जिस राही इन्हां सरूपां की छपाई नूं अमली जामा पहनाया गया सी। गौर करन वाली गल ए वी है कि इन्नियां भारियां मशीनां नूं घर तों बाहर कढ़न लई जिथे घर का कुछ हिस्सा तोड़ना पिया उथी इन्हां नूं गुरद्वारा साहब पहुंचाउण लई क्रेन तक का सहारा लैना पिया। हुण सवाल यह उठता है कि यह मशीनां इस घर विच लियाईयां किस तरह गईयां सन अते जदों यह मशीनां इत्थे पहुंचियां तां किसे नूं इल्म तक नहीं सी कि इन्हां मशीनां राही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सरूप छापे जाणगे। फिलहाल यह मामला श्री अकाल तख्त साहब तक पहुंच चुका है अते जथेदार हरप्रीत सिंह वालों सतनाम प्रचार रिलीजियस सोसाइटी राही बलवंत सिंह पंधेर के घर में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छपाई के मामले ते स्पष्टीकरण की मांग की गई है। संगतां वालों पुजियां शिकायतां सन कि रबदमन सिंह मलिक अते बलवंत सिंह पंधेर ने सरी बीसी कनेडा विखे अपनी निजी संस्था सतनाम रिलीजियस सोसाइटी बना के श्री अकाल तख्त साहब वालों मिति 9/5/1998 हुए हुक्मनामे की उलंघना की है
जिस विच स्पष्ट लिखा है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बिना श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छपाई होर कोई नहीं कर सकता। इन्होंने बिना आग्ञा तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूपां की छपाई की है, जिस संबंधी श्री अकाल तख्त साहब विखे पंच सिंह साहबान की कतरता विच विचार करन उपरंत फैसला होया कि कनेडा निवासी रबदमन सिंह मलिक बलवंत सिंह भदेर नूं आदेश किया जाता है कि इस संबंधी अपना स्पष्टीकरण एक महीने के अंदर अंदर श्री अकाल तख्त साहब विखे भेजन। इस तों अलावा यह भी आदेश किया जाता है कि इन्हां वल्लों हुण तक तैयार किए पावन स्वरूप समेत छापाखाना मशीनरी सिख संगत की भावनावां अनुसार गुरुद्वारा गुरु नानक सिख सोसायटी डेल्टा सरी बीसी कनेडा विखे मोतबार सिखां दी हाजरी विच सभायमान कीते जाण। गुरुद्वारा साहब के प्रबंधकां नूं भी आदेश किया कि इन्हां वल्लों तैयार किए पावन स्वरूपां की सूझवान ग्रंथी सिंघां पासों दर्शन विचार करके अखरां तत्करे तों लैके रागमाला तीक वाध घाट होण जां ना होण बारे मिलान करवा के रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर श्री अकाल तख्त साहब विखे भेजी जावे। दूजे पासे इस मामले संबंधी सोशल मीडिया से रिपू दमन सिंह मलिक का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिस विच उन्होंने जिथे इन्हां स्वरूपां नूं छापण तों बाद हुण श्री अकाल तख्त साहब से माफ़ी मंगण की गल कही है, उत्थी उन्होंने यह भी मनिया कि वह इसकी प्रवानगी लई SGPC कोल भी गए और फिर श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल कोल भी गए सन, जिथों उन्होंने खाली हाथ ही परतना पिया सी। माफ़ी मंग लाँगे तो उन्होंने को पेश हो जाएंगे, तो असले कहने किसी को दे दें किसी को अधिकार देन छापन दे साड़ी वेले बेनती दी है, साड़ी कोई जिद नहीं हैगी किसी नूं सिखा नूं वेले बेनती, पर जे तुहानूं श्रोमणी कमेटी ने मंजूरी तो नहीं दित्ती सी लिखती रूप दे विच तुसीं अपने तौर पर इस रूप गलती की असी तो माफ़ी मंग लाँगे, तो क्या असं इंसान नहीं गलती करते नहीं तुम इतने कोई ये कमेटी बनाई सी बोर्ड बनाया सी जिसे निगरानी हेठ छापो कम तो असं बंद है सही सोचा जो सेवा करते हैं छापन बारे जो ना की है तो चार्टर प्लेन बारे उन्होंने कहा तो असं समझते हैं सुखबीर सिंह बादल ने मुलाकात हुई। हाँ जी मेहता साहब भी हाजिर सके तो लौंगोवाल साहब भी हाजिर सके चंडीगढ़ मीटिंग हुई सी सुखबीर बादल हुणां ने बिल्कुल इनकार करता बिल्कुल उन्हें सारी गल तो एक मिनट उन्होंने ना करते थे ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਅਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $500-$500 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਰੀ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।